ड्राई रन में हम आपको थर्मल फ्यूज चेंज करने का तरीका दिखा रहे हैं। थर्मल फ्यूज चेंज करने के लिए ओनली एक टू पार्ट स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम हैंडल विद बैक कवर का स्क्रू खोलेंगे। अब हम हैंडल विद बैक कवर को इस तरह से बाहर निकालेंगे। इसके बाद हम ये स्ट्रेस रिलीवर को निकालेंगे। अब हम ये नियॉन लैंप को इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे जो टॉप कवर में स्क्रू लगाया है इसको निकालेंगे। अब हमारा टॉप कवर पूरी तरह से निकल गया है। इसके बाद हम पावर कोर्ड का कनेक्शन निकालेंगे। लग को निकालने के लिए लग में जो लॉक दिए हैं उसको टू पास स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह प्रेस करके पीछे की ओर खींचेंगे। अब हमारा ये पावर कोर्ड का कनेक्शन निकल गया है। उसके बाद हम सेंटर प्लेट फिटिंग के ये तीनों स्क्रू निकालेंगे। अब हम नियॉन कॉन्टैक्ट के साथ जो थर्मल फ्यूज का कनेक्शन जुड़ा है उसको निकालेंगे। उसके बाद एक थर्मोस्टेट के साथ जो जुड़ा है उसको निकालेंगे। अब हम क्लैंप को निकालेंगे। अब हमारा ये थर्मल फ्यूज फिटिंग का क्लैंप निकल गया है और ये थर्मल फ्यूज पूरी तरह से निकल गया है। अब हम नए थर्मल फ्यूज को यहाँ पे फिटिंग करेंगे। थर्मल फ्यूज को ऐसे रखकर क्लैंप को इस तरह से फिटिंग करेंगे। अब हम थर्मल फ्यूज का कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम ए वायर को नियॉन कॉन्टैक्ट के साथ इस तरह फिटिंग करेंगे। उसके बाद दूसरे वायर को थर्मोस्टेट के साथ इस तरह फिटिंग करेंगे। अब हमारा ये थर्मल फ्यूज का कनेक्शन हो गया है।
इसके बाद सिरेमिक रिंग को इस तरह से रखेंगे। अब हम सेंटर प्लेट को इस तरह से रखकर तीनों स्क्रू यहाँ पे फिटिंग करेंगे। इसके बाद हम पावर कोर्ड का कनेक्शन करेंगे। इसमें जो ब्राउन वायर दिया गया है उसको लाइन का जो एल सिंबल दिया है उसके साथ कनेक्शन करेंगे। अब हम ब्लू वायर को न्यूट्रल का जो सिंबल एन दिया है उसके साथ कनेक्शन करेंगे। अब हम ग्रीन विथ येलो वायर को अर्थिन का जो सिंबल दिया है उसके साथ कनेक्शन करेंगे। अब नियोन लैम्प का ब्लू वायर इस कॉन्टेक्ट के साथ कनेक्शन करेंगे। इसके बाद हम टॉप कवर को सेंटर प्लेट के साथ इस तरह से फिटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर स्क्रू फिटिंग करेंगे। इसके बाद हम नियोन लैम्प को इस तरह से फिटिंग करेंगे। अब पावर कोर्ड को इस तरह से ट्विस्ट करके स्ट्रेंथ रिलीवर को बिठाएंगे। अब हम हैंडल विथ बैक कवर को इस तरह से रखकर प्रेस करके लॉक करेंगे। और ये दोनों स्क्रू फिट करेंगे। अब ये आयरन रेडी टू यूज हो चुकी है।